दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मानसिक बीमारी और पांव में भी तकलीफें, विकलांग है ये। हाँ। तो हुआ क्या था पूरा मामला ये? इसको रोड पर से उठा के ले गए रिक्शा में, पांच जन। पांच लोग रोड पर से उठा के ले गए। अच्छा, कल रात में 11 बजे और बढ़त करके हमारी लड़की जा रही थी और आए दो चार लोग, चार से पांच लोग रिक्शा में खींच लिया और ले गए सुमसान रास्ते पे, और उसके साथ हरकत करके ने फिर वहाँ पे मार के ने छोड़ दिया। अच्छा, रास्ते में ही छोड़ दिया? हाँ, रास्ते में छोड़ दिया और वो लोग भाग गए, मशान के अंदर छोड़ के ने उसको भाग गए वो लड़के। पास गलत काम जो क्या हो भी मशान के अंदर, वो भी मशान के अंदर किया और वहाँ छोड़ कर भाग गए वो लोग। फिर हम लोग ढूंढने गए, हम लोग ने ढूंढी, लड़की पड़ी हुई थी खेत के अंदर। उन्होंने धमकी दिया, बोले पुलिस केस करोगे तो मार डालेंगे, ये धमकी दिया। हाँ, फिर सुबह में हमको मोहल्ले वालों का सपोर्ट मिला और हमने पुलिस केस किया। वैसे कहा जाता है गुजरात जो है वो बताया जाता है बहुत ही सेफ है महिलाओं के लिए, और क्या कहेंगे इस पर? लड़कियों के लिए सेफ नहीं, नहीं ये तो सब लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, गुंडों के लिए सेफ है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। गुजरात के वीरमगाम में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिसके साथ में ये घटना घटी है वो एक मानसिक बीमार लड़की है और साथ ही साथ वो विकलांग भी है। बताया ये जा रहा है कि वो मानसिक बीमार लड़की थी, वो अपने घर के बाहर सड़क पर खड़ी हुई थी, कुछ लोग आए, तकरीबन चार से पाँच लोग आए और उसके बाद उसको ऑटो के अंदर उठा कर ले गए। लड़की के भाई का ये कहना है कि शमशान में ले जाकर उसके साथ में गलत काम किया गया, उसका दुष्कर्म किया गया और रात तकरीबन 11:30 बजे की ये घटना है, उसे शमशान के वहीं पर फेंक दिया गया। जब लड़की की तलाश की गई तो तकरीबन रात को 1 बजे जो है वो लड़की शमशान के करीब एक खेतर में पड़ी हुई पाई गई। उसके बाद उस लड़की को घर वाले घर पर लेकर आए और उसके बाद जो है वो आप ये सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि कहा ये जाता है कि गुजरात काफ़ी सिक्योर, काफ़ी सेफ माना जाता है, ये लोग कहते हैं, बीजेपी का ये दावा है, सरकार का ये दावा है कि काफ़ी सेफ राज्य है, काफ़ी सिक्योर यहाँ पर महिलाएं हैं, लेकिन एक विकलांग महिला के साथ, एक मानसिक बीमार महिला के साथ इस तरीके की हरकत ये सब कुछ बयान कर देती है। और देश में हर जगह बात करें, यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, कहीं ना कहीं कई जगहों पर जो है वो दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। यूपी में पिछले कई दिनों में 2 से 3 मामले सामने आ गए हैं। अब गुजरात में अहमदाबाद से चंद किलोमीटर दूर वीरमगाम है, वहाँ की ये घटना है। और ख़ास बात तो ये है कि जब ये पूरी घटना घटी उसके बाद में ये बताया जा रहा है, लड़की के भाई वसीम का ये आरोप है कि जो आरोपी हैं उनके घर के कुछ लोग, उन आरोपियों के पिता माता कुछ लोग आए थे लड़की के घर पर और धमकी दी कि आप लोग अगर पुलिस केस करेंगे तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। हालांकि उसके बावजूद कुछ मोहल्ले के लोगों का इन्हें साथ मिला और दूसरे दिन यानी कि आज जो इस मामले में FIR दर्ज हुई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जो 5 आरोपी थे वो पाँचों के पाँचों आरोपी फरार है। लड़की की माता का यही कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में जो लोग दोषी हैं उन्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मांग की है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। अब देखना ये होगा कि पुलिस जो होती है वो अपना काम करती है, एक लंबी कानूनी कार्रवाई चलती है। देखना ये होगा कि आखिरकार जो आरोपी हैं वो कब कटघरे में लाए जाते हैं, उन्हें कब पकड़ा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आखिरकार ये मानसिकता लोगों में कहाँ से आती है, ये मानसिकता कहाँ से फैलती है कि एक ऐसी मानसिक बीमार के साथ, एक विकलांग लड़की के साथ में कोई इतनी गंदी हरकत आखिर कैसे कर सकता है। आप सोचिए क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है, क्या हम अपनी भारतीय संस्कृति को शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये किस गांव से हैं आप? वीरमगाम से हैं प्रॉपर आप? ये घटना जो हुई ये कब की घटना है और कौन लोग थे, पुलिस ने गिरफ्तार किया, या ये कुछ सुनने में आया था कि आप FIR दर्ज कराने गए थे इस पूरे मामले के बाद में, लेकिन शायद पुलिस ने FIR दर्ज पहले नहीं की, बहुत नहीं, परेशान किया आपको, ऐसा कुछ था? ना, ना। ऐसा कुछ नहीं था नहीं। तो इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए, कुछ क्या कहेंगे आप? अभी कोई नहीं हुआ, अभी गिरफ्तार कोई नहीं हुए। और ये घटना कितने बजे की है? कल 11 बजे कल रात में या सुबह में? रात में। कल रात में 11 बजे की घटना है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं हुई है। पर FIR कब हुई? आज। FIR अभी 2 घंटे आज हुई है। ये आपकी बेटी है? हाँ। तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ मानसिक इनको बीमारी भी थी और उसके बावजूद उनके साथ में ऐसा जो बदतमीजी की गई है सारी, है क्या है, थोड़ा बताएंगी आप? मानसिक बीमारी और पांव में भी तकलीफें, विकलांग है ये। तो हुआ क्या था पूरा मामला ये? इसको रोड पर से उठा के ले गए रिक्शा में, पांच जन।
पांच लोग रोड पर से उठा के ले गए। अच्छा, कल रात में 11 बजे और बढ़त करके कहाँ जा रही थी? ये अपने घर में ही थी या बाहर खड़ी? नहीं, बाहर थी रोड पर, इसी मानसिक बीमारी के लिए बाहर निकल गई थी जी। वो पढ़ के ले गए, पकड़ के ले गए। उसके बाद में फिर आपने आज FIR कब दर्ज हुई? आज ही हुई। आज किस वक्त? कब? आज 2 बजे दोपहर में 2 बजे। लेकिन कंप्लेन की अभी यानी गिरफ्तारी किसी की हुई नहीं है? अभी नहीं हुई, अभी गिरफ्तार। आप क्या चाहती हैं इसमें, इंसाफ के लिए आप क्या चाहती हैं, आप क्या मांग चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से मांग सजा ही, सजा मिले चाहती हैं आप? हमारा हुआ था पूरा मामला क्या है, ये किस जगह का है, कौन सा गाँव है? प्रॉपर विरम गाँव है या कहाँ का है? प्रॉपर विरम गाँव मुंडसर दरवाजा। और हमारी लड़की जा रही थी और आए दो चार लोग, 4 से 5 लोग रिक्शा में खींच लिया और ले गए सुमसान रास्ते पे, और उसके साथ हरकत करके ने फिर वहाँ पे मार के ने छोड़ दिया। अच्छा, रास्ते में छोड़ दिया? हाँ, रास्ते में छोड़ दिया और वो लोग भाग गए। फिर हम लोग ने पुलिस केस किया। तो कुछ पता चला कौन लोग थे या क्या है? हाँ, वो सबके नाम डिटेल सब बाहर आ गई है। कैसे सब पता चला? भरवाल लोग थे। अच्छा, हाँ, लड़की ने बताया कि ये लोग थे, ये लोग सबकी जान पहचान भी लड़की ने। लड़की जानती थी सबको, आसपास के लोग ही थे, घर के आसपास रहने वाले लोग ही सब घर के आगे ही रहते, घर के आगे ही रहते हैं सारे, वही लोग थे सारे ये लोग। तो इस पूरे मामले में पुलिस का क्या रुझान रहा? पुलिस ने सपोर्ट अच्छा किया हमारे को, पुलिस ने अच्छा सपोर्ट किया, पर अभी कोई आरोपी हाथ में कोई नहीं आया। क्या फरार है या क्या है पूरा? फरार है, पांचों पांच फरार है, पांचों आरोपी फरार है। तो ये जो पूरा मामला जब हुआ था, उस वक्त जहाँ से उठाया था, ऑटो रिक्शा में डाला था इस लड़की को, कुछ सीसीटीवी फुटेज या ऐसा कुछ वहाँ पर है? सीसीटीवी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मसान था एकदम, मसान मसान के अंदर छोड़ के ने उसको भाग गए वो लड़के। गलत काम जो किया वो भी मसान के अंदर, मसान के अंदर और वहाँ छोड़ कर भाग गए वो लोग। फिर हम लोग ढूंढने गए, हम लोग ने ढूंढी, लड़की पड़ी हुई थी खेत के अंदर। रात में कितने बजे की बात है? रात को हमको लड़की मिली 1 बजे, रात को 1 बजे पर, कल रात को 1 बजे। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग घर पे लाए उसको, फिर वो लोग था धमकी देने के लिए घर पे आए वो लोग। अच्छा, धमकी देने के लिए आए? पुलिस केस नहीं करना, ना कर मार डालेंगे। अच्छा, कौन जिन्होंने काम किया वही लोग? हाँ, वही उसके घर वाले लोग जिन्होंने दुष्कर्म किया, उनके घर वाले लोग। जिसने जो बलात्कार किया उसके मम्मी, उसके पापा ने, उसके चाचा ने, वो लोग आए बोले। नाम पुलिस आपको पता है कुछ? नाम आपको कौन लोग आए थे? नहीं, नाम तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने धमकी दिया, बोले पुलिस केस करोगे तो मार डालेंगे, ये धमकी दिया। हाँ, फिर सुबह में हमको मोहल्ले वालों का सपोर्ट मिला और हमने पुलिस केस किया। आज कब पुलिस केस कब हुआ? हमने आज दोपहर में 12 से 1 बजे पुलिस केस किया, FIR फटी। हाँ, चार से पाँच बजे FIR फटा। लेकिन गिरफ्तारी किसी की हुई नहीं? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वैसे कहा जाता है गुजरात जो है वो बताया जाता है बहुत ही सेफ है महिलाओं के लिए, और आप क्या कहेंगे इस पर? लड़कियों के लिए सेफ नहीं? नहीं, ये तो सब लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, गुंडों के लिए सेफ है। आपकी क्या मांगे मुख्यमंत्री से? हमारी मुख्यमंत्री से मांगे कि बस हमको इंसाफ मिले और इसको फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए, हमारी बस एक ही मांगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।